Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चिल्लू पार विधानसभा कभी यूपी का सियासत लिखा करता था। यहाँ से चुनाव जीतने वाले बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी सत्ता के बेहद करीबी माने जाते थे, या यह कहें कि यूपी की सत्ता का समीकरण हरिशंकर तिवारी की चौखट पर बनता था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरिशंकर तिवारी किसी समय में बाहुबलियों के गुरु कहे जाते थे। उन्होंने ही क्राइम का राजनीतिक कनेक्शन फिट किया। हालांकि समय के साथ तिवारी की पकड़ कमजोर होती गई और एक समय वह भी आया जब शमशान बाबा ने उन्हें चिल्लू पार में हरा दिया। इसके बाद तिवारी ने जीत का स्वाद नहीं चखा। अब उनकी विरासत को सहेजने का प्रयास उनके बेटे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। दरअसल चिल्लू पार विधानसभा से लगातार 6 बार विधायक रहने वाले बाहुबली हरिशंकर तिवारी ऐसा नेता थे जो जेल में रहने के बाद भी चुनाव जीते थे और 23 साल तक लगातार विधानसभा के सदस्य बने रहे। 70 के दशक में हथियार उठाने वाले हरिशंकर तिवारी पहले ऐसा नेता थे जिसने सिकंजू के पीछे कैद होने के बावजूद भी चुनाव जीत लिया। हरिशंकर ने कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर तक का रुतबा भी हासिल किया। जानकारी के मुताबिक इस बाहुबली नेता के खिलाफ 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इसमें हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, सरकारी काम में बाधा, बलवे जैसे मामले भी शामिल थे। इस बाहुबली के बारे में कहा जाता था कि सरकार भले ही किसी की हो पर हरिशंकर का रुतबा कभी भी कम नहीं हुआ। पूर्वांचल में बाहुबली नेताओं की शुरुआत बात पहले 80 की दशक की है, जब चिल्लूपुर विधानसभा क्षेत्र के हरिशंकर तिवारी व लक्ष्मीपुर से स्वर्गीय वीरेंद्र शाही ने अपने बाहुबल के भरोसे निर्दल प्रत्याशी के रूप में राजनीति में कदम रखा। अप्रत्यक्ष तौर पर हरिशंकर तिवारी को कांग्रेस व वीरेंद्र शाही को जनता पार्टी ने छांव दी। माना जाता है कि पूर्वांचल में बाहुबलियों के राजनीति में कदम रखने की शुरुआत यहीं से हुई। फिर तो क्षेत्रीय दलों में मुलायम सिंह यादव हो या फिर मायावती, कोई भी राजनीति के हिसाब से बाहुबलियों को गले लगाने से पीछे नहीं रहा। पाला बदलने में माहिर हरिशंकर तिवारी पाला बदलने की कला में माहिर थे। पूर्वांचल का यह माफिया सत्ता में बने रहने के लिए कभी भी और कहीं भी जा सकता था। पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी और उसके बाद समाजवादी पार्टी का साथ दिया। फिलहाल इनका पूरा कुनबा बीएसपी में है। मई 1997 में जब हरिशंकर तिवारी अपने लोकतांत्रिक कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव पहली बार हारे तो उन्होंने अपने गिरते रसूख का ख्याल सताने लगा। फिर क्या हमेशा की तरह इस बार भी हाथी पर सवार हो गए और मायावती से उसने खुद तो नहीं लेकिन अपने दोनों बेटों के लिए टिकट जुटा लिया। हरिशंकर तिवारी के नाम पर ये इलाका कांपने लगता है। रेलवे, साइकिल स्टैंड से लेकर सिविल की ठेकेदारी में इन्होंने पैसा ही नहीं बल्कि स्याह और दबंग रसूख भी कमाया है। शमशान बाबा के हाथों पहली बार चखा हार का स्वाद। चिल्लूपार विधानसभा सीट बाहुबली हरिशंकर तिवारी के कारण काफ़ी चर्चा में रही है। इस सीट से अजय माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी ने 6 बार जीत हासिल की और कैबिनेट मंत्री भी रहे। वर्ष 2007 के चुनाव में बसपा के राजेश त्रिपाठी ने उन्हें हार का स्वाद चखाया और सरकार में मंत्री पद हासिल किया। उल्लेखनीय है कि 2007 का विधानसभा चुनाव हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़े थे। 2007 विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने अपने पार्टी से राजेश त्रिपाठी को ही टिकट दिया था और राजेश हरिशंकर तिवारी को हरा कर विधायक बने। मायावती ने उनके इसका पुरस्कार देते हुए मंत्री भी बना दिया। यही नहीं, उन्होंने हरिशंकर तिवारी के काले कारनामों की जाँच के लिए जिलाधिकारी को सख्त आदेश देकर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर परिवार पर लगाया जानलेवा का हमला का आरोप। बसपा छोड़ने के बाद चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी को उनकी हत्या का डर सता रहा। राजेश ने हरिशंकर प्रसाद पर आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार के लोग उनकी हत्या करा सकते हैं। राजेश के अनुसार यह तभी साफ हो गया था जब डीजीपी ब्रिजलाल और प्रमुख सचिव फतेह बहादुर थे और लखनऊ में एक बदमाश का एसटी अपने एनकाउंटर किया था। इसके साथ ही उसकी फ़ोन टैपिंग में यह बात साफ हो गई थी कि उनकी हत्या का सुपारी इसी परिवार ने दिया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.